Hello students, welcome once again to my channel Life's Calculations. तो बहुत ही ज़्यादा बिगेस्ट अपडेट काउंसिल की तरफ से सी आई एस सी ई की तरफ से अभी अभी जस्ट मिली है और वो अपडेट क्या है जो सबको शॉकिंग न्यूज़ हो सकती है सबके लिए और बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ है एक पॉइंट पे जब एवरीबडी इज़ गियरिंग अप फॉर द सेमेस्टर वन एग्ज़ाम्स आई सी है या फिर आई आई स्टूडेंट्स हैं टेंथ के स्टूडेंट्स या प्लस टू के स्टूडेंट्स ऑल आर गियरिंग अप फॉर द सेमेस्टर वन एग्ज़ाम्स जो कि एम क्यू बेस्ड है डिफरेंट टेक्निकलिटीज हम उसकी देख रहे हैं समझ रहे हैं है ना और आप लोग अपनी प्रेपरेशन में बिजी हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे काउंसिल ने एक बहुत ही शॉकिंग सी न्यूज दे दी है वो क्या न्यूज है कि पोस्टपोनमेंट ऑफ द एग्जाम्स पोस्टपोनमेंट ऑफ द सेमेस्टर वन एग्जाम तो कोई क्या ऐसे सोच सकता है कि जब अभी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फाइव डेज अवे वी आर गोइंग टू अपीयर इन द एग्ज़ाम्स तो काउंसिल ने ऑल ऑफ स्टेंट को पोस्टपोन कर दिया है तो so, उसके क्या रीज़न्स हैं काउंसिल तो कहती है कि द रीज़न्स आर बियॉन्ड अवर कंट्रोल अब उसके कई सारे मीनिंग्स हो सकते हैं वो सब देखने की ज़रूरत है लेकिन सबसे पहले वो जो ऑफिशियल लेटर है जो कि प्रिंसिपल्स के नाम का काउंसिल ने निकाला है वो मैं आपको जो है ना काउंसिल की वेबसाइट पर जो अवेलेबल है वो मैं आपके लिए जो है वो पहले रीड करते हैं सो द ऑफ़िशियल लेटर जो कि काउंसिल की वेबसाइट पे इस टाइम पे आपको मिलेगा दैट इज़ एड्रेस्ड टू द हेड्स ऑफ स्कूल्स प्रेजेंटिंग कैंडिडेट्स फॉर द आई एंड आई ईयर 2021-22 एग्ज़ाम्स ठीक है और व्हाट इज़ द एड्रेस क्या है सब्जेक्ट क्या है दैट पोस्टपोनमेंट ऑफ़ द आई एंड आई एस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी एग्ज़ाम्स और मैं आपके लिए रीड कर रही हूँ उस लेटर को जो कि काउंसिल की वेबसाइट से उठाया है अभी ऑफिशियल है नथिंग फेक अबाउट इट वो बोलता है द सी आई एस सी ई हैज डिसाइडेड टू पोस्टपोन द आई सी एस सी एंड आई एस सी ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू सेमेस्टर वन एग्जामिनेशन ड्यू टू द रीजनज बियॉन्ड आर कंट्रोल ऑल स्टेक होल्डर्स विल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रिवाइज्ड शेड्यूल ऑफ़ द एग्जामिनेशन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम तो ये है न्यूज़ सो स्टूडेंट्स आपने लेटर uh, देखा मीनिंग उसका समझने की ज़रूरत है इट इज़ बीइंग एड्रेस्ड टू द प्रिंसिपल्स और जो कि प्रेपरेशंस कर रहे थे अपने स्टाफ के साथ अपनी टेक्निकल टीम्स के साथ तो उनके लिए भी शॉकिंग होने वाला है अब यहाँ पे ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे कि ऑल ऑफ सडन हुआ क्या होगा तो ऐसा है कि देर आर हंड्रेड एंड वन रीजन्स ठीक है एक तो बड़ा ही कॉमन सा रीज़न है कि जस्ट अभी अभी सी ने अपना डेट शीट्स डिक्लेयर की हैं ठीक है और दूसरी बात है कि जो वो पैटर्न जो फॉलो कर रहे हैं वो डिफरेंट पैटर्न है तो कहीं ना कहीं बाद की जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं एग्ज़ाम के बाद की या जो आपके रिजल्ट्स के बाद की प्रॉब्लम्स आने वाली हैं वो जो आई ने उनको जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि फोर सी कर लिया है फोर सी कर लिया इन द सेंस कि उन्होंने उसको पहले से भांप लिया है कि ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं क्योंकि सबसे बड़ा झगड़ा जो पिछले एक महीने से चल रखा वो ये है कि होम बेस्ड या स्कूल बेस्ड होम बेस्ड या स्कूल बेस्ड दो एग्जाम to 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 कही कहीं ना कहीं डिवाइस के चलते डिवाइस की आ, कुछ कॉम्प्लीकेशन के चलते दे हैव टू सिट बैक एट होम और उनको होम वाली ऑप्शन लेनी पड़ रही है ड्यू टू तो वन रीजन और द अदर मैक्मम स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया होम बेस्ड अब उसके देयर कैन भी सो मैनी कॉम्प्लीकेशनज रिलेटेड टू दैट ऑल्सो तो या तो वो फेयर जो एक सिस्टम होता है एग्जाम्स का काउंसिल मे हैव दिस थिंग इन द माइंड कि वो आपके जो फेयर एग्जाम्स नहीं करवा पाएगा या फिर जो उनके सिस्टम्स हैं थ्रू विच कोई एप्स हैं थ्रू विच हमारे uh, जो कंडक्ट करने वाले थे काउंसिल अपने uh, जो है एग्ज़ाम्स को सेमेस्टर वन के एम सी क्यू जो आप घर में बैठ के या स्कूल में बैठ के देने वाले थे बट द एग्जाम्स पैटर्न वज ऑनलाइन ओनली या तो कहीं ना कहीं उस सिस्टम में डाउट रह गए हैं या फिर जो प्रिंसिपल्स की या फिर स्टाफ की टीचर्स की या स्टूडेंट्स की जो क्वेरीज थी उनको काउंसिल जो है वो आ, एड्रेस नहीं कर पा रहा है रिलेटेड टू द सिस्टम विच विल बी अडॉप्टेड टू टेक द एग्जाम प्रोसेस सेमेस्टर वन एग्जाम कंडक्ट करने का जो प्रोसेस था तो धीरे धीरे बातें समझ आएंगी लेकिन मुझे जो सबसे बड़ा यहाँ पे लग रहा है दिस इज़ माय पर्सनल व्यू मुझे ऐसा लग रहा है स्टूडेंट्स अब आप जो है ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए ही प्रिपेयर रहिए अब जो है काउंसिल भूल कर भी आपको होम बेस्ड एग्ज़ाम की जो है ना नहीं देने वाला है इस ऐसी गलती वो दोबारा नहीं करने वाला है तो दिस इज़ माय पर्सनल व्यू लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है तो आप तैयार रहिए कि आपको देअर इज 99% ऑफ द चांसेस इस सिचुएशन के बाद आने वाला है कि वो बोलेगा कि आओ स्कूल में आओ बैठो लिखो बाकी एमसीक्यू क्यू बेस्ड हो या वो सब्जेक्टिव पेपर आपके लेता है या एम सी क्यू बेस्ड ही लेता है अभी भी सो so, अब ये जो है uh, अनाउंसमेंट हुई है इसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी इम्प्लीकेशन हो सकती हैं सो आने वाले टाइम ही बताने वाला कि वो क्या है अभी तो फिलहाल के लिए न्यूज़ ये है कि जो फिफ्टीन नवम्बर से आपके एग्जाम्स आप देने वाले थे और जिसके लिए आपको भी प्रिपेयर होना पड़ा एक विद अ डिफरेंट पैटर्न के लिए आप अपने आप को उसमें आप अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे थे अपने आप को वो तो फ़िलहाल के लिए टल गया है लेकिन लेकिन वन थिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट डोंट गिव अप योर स्टडीज़ किसी भी टाइम पे अनाउंसमेंट हो जाएगी और फिर वट एवर मोड लेकिन एग्जाम्स तो होंगे ही होंगे सो डोंट गिव अप योर स्टडीज़ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपडेट जो कि जल्दी जल्दी मिलेगी आपको हमारे चैनल पे सो थैंक्स टू यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो थैंक यू वेरी मच